हमारे हरिद्वार में बाबा जी के बुजुर्ग संत है बाबा निरंजन दास जी, जो अखाड़ा के पुराने सबसे पुराने हैं स्थानीय महंत बाबा निरंजन दास जी, और पूनम दास जी के जो गुरु जी है उनके गुरु भाषा भी है, तो उन्होंने भी पूनम दास जी को आशीर्वाद दीर्घ आयु की कामना की है। और हमारे जयंती भाई, इसके एक बड़े विलक्षण स्वभाव है। कहे विलक्षण क्यों, ये बड़े बिजनेसमैन है राजकोट के। कुंभ मेले के समय घर परिवार छोड़ के एक महिला मेले में सब साधु को जलपान कराने, ये हर मेले में। आदरणीय कैलाश जी भी इनको बड़े अच्छी तरह से जानते हैं, कैलाश जी हर मेले में आते, इनके पास भी जाके बैठते हैं, तो इनका जलपान कोई भी संत हर बड़ा व्यापक रूप में चलाते हैं। नासिक बारिश में भी रात भर जो महादेव सबको चाय, देखिए पूनम दास जी का प्रेम है, आप लोग का प्रेम है, राजकोट से इनको खींच के ले आया, तो संतों का भी इनके परिवार के तरफ बड़े आशीर्वाद है, परिवार को साधुवाद है, और इसी तरह से संत सेवा करते रहे। आज हमारे और परिवार पूरा संतों के प्रति बड़े प्रेम रखते हैं, बड़े स्नेह रखते हैं, वो परिवार भी संत है बड़े। आज भारतीय जनता पार्टी ने उनको जिम्मेदारी दे रखा, कुछ काम काज ऐसे मीटिंग है आ नहीं पाए, हमारे आदरणीय बड़े सम्माननीय भारतीय जनता पार्टी की महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी, अगर उनको जरूरी काम नहीं होते तो आज वो भी यहाँ होते, हमारा जिम्मे जरूर रहता है, तो उनकी भी हाजिरी यहाँ पर है। और जो आपके यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के बड़े सम्माननीय बड़े यशस्वी विधायक मनोज पाटिल जी, उनके भी घर में आज शादी का कार्यक्रम है, अगर शादी कार्यक्रम है उस बच्चे को भी मेरा आशीर्वाद है, संतों को भी आशीर्वाद है, वो भी हमारा ही कार्यक्रम है और ये भी उनका ही कार्यक्रम है, शादी के व्यस्तता के कारण आ नहीं पाए, और उनका तो यहाँ आना ही अब हमेशा, उन्हीं का ही आश्रम है, सब आप लोग का ही आश्रम है। हम ताज महंती देके जा रहा हूँ, फिर अन्ना जल आप लोग बुलाओगे आऊँगा, इससे पहले भी मैं बहुत पहले आया, उस समय भी मैं कनखल हरिद्वार से जो कोठारी जी पधारे हो और रमेश जी साथ में ही आए थे, हमने कहा रमेश जी आपको आना है, उस समय भी हम लोग साथ पटनगर गए थे, आज भी, और हमने देखो आपको पता आज बहुत बड़ा मीटिंग है भोपाल में, रमेश जी मीटिंग छोड़ के आए, प्रेम है अपनापन है, और इस संसार में सबसे बड़ा प्रेम इससे बड़ा, तो आप लोग को पूनम दास जी को सौंप के जा रहा हूँ, इसके अब आप लोग के जिम्मे हैं, और आश्रम का विकास करिए, और पूनम दास जी को भी कह रहा हूँ सबको, कोई भेदभाव नहीं, सब अपना, हम लोग संत हो, जगत अपना है, पूरा विश्व हमारा है, सबके साथ प्रेम से रहो, प्यार दो ना, लोग प्रेम का भूखा होते हैं, जितना प्यार दोगे उतना ही खींचे आएंगे, कोई आपके पास चाय की रोटी के लिए नहीं आएंगे, उनको तो भगवान ने सब कुछ दे रखा, सिर्फ आपके पास आशीर्वाद के लिए आएंगे, प्रेम के लिए आएंगे। मैं आप परिवार के लिए भी महादेव के चरणों में ही प्रार्थना करता हूँ, सब निरोगी रहे, सुखी रहे, सब आने वाले पीढ़ी बच्चे यशस्वी हो, इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति। अखाड़े की परंपरा के अनुसार महेंद्र पूनम दास जी महाराज को हमारे पंचायत अखाड़ा बड़ा उदासीन के भ्रमण सिंह जमात के परम श्रद्धे महेंद्र श्री रघुमणि जी महाराज सबसे पहले तिलक भेंट करेंगे, और उसके उपरांत सभी हमारे जो अखाड़े एवं आश्रमों से आए हुए संत महापुरुष हैं वो एक एक करके सभी पूनम दास जी महाराज को तिलक चादर भेंट करेंगे, सभी लोग एक एक करके आएंगे। बोले सच्चे दरबार की जय।
गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। अगले महाराज की जय। सतीनों बृहस्पतिर्दधातु सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमिकुं सर्वतत्त्वा ज्यातिष्ठ दशाम्बुलम् पुरुष एवेतकुं सर्वञ्जतो दञ्जस भार्यम् उतामृत तत्तेषानो जदन्नेन तिरोहति एतावानस्य महिमातो जायांश्च चतर के इस परंपरा के अनुसार हमारे पंचायती अखला बलौदा सिंह कंखल के कुठारी महंत दामोदर दास जी महाराज महंत पूनम दास जी महाराज को तिलक चादर भेंट कर रहे हैं। बोले सच्चे दरबार की जय, सनातन धर्म की जय। हमारे पंचायती अखला बलौदा सिंह उज्जैन से कुठारी महंत श्यामदास जी महाराज, महंत चंद्रमणि जी महाराज तिलक चादर भेंट कर रहे हैं। उनका बहुत बहुत साधुवाद। हमारे बीच में गुजरात विराज झंडे वाली प्लेट से हमारे दयालदास जी महाराज पूनम दास जी महाराज के तिलक चादर भेंट कर रहे हैं। हमारे बीच में राजा रणछोड़ की तपोभूमि हरिओम। हमारे बीच में स्थानीय महंत मंगलमणि जी महाराज गुजरात की पावन भूमि से पधारे हुए महाराज श्री तिलक चादर भेंट कर रहे हैं। और पंचायती अखाड़ा बड़ौदा सिंह बड़नगर से हमारे स्थानीय महंत सरस्वतीदास जी महाराज जी महंत पूनम दास जी महाराज को तिलक चादर भेंट कर रहे हैं। और पंचायती अखाड़ा बड़ौदा सिंह उज्जैन से हमारे स्थानीय महंत हरिशरणदास जी महाराज महंत पूनम दास जी महाराज को तिलक चादर भेंट कर रहे हैं। गुजरात से हमारे परम तपस्वी पंचम दास जी महाराज के परम सेवक गुजरात से पधारे पंचम दास जी महाराज की तरफ से उनके भक्त उनका महंत पूनम दास जी महाराज को तिलक चादर भेंट कर रहे हैं। हमारे बीच में मुरादाबाद से झंडे वाली प्लेट से पधारे हमारे सरखड़ी से हमारे बीच में कृपादास जी महाराज महंत पूनम दास जी महाराज को तिलक चादर भेंट कर रहे हैं। और जैसे आप सभी जानते हैं माँ भगवती के परम सेवक गुजरात की पावन भूमि से पधारे जयंती भाई राजकोट महंत पूनम दास जी महाराज को तिलक चादर भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। और इंदौर से हम सबके लाडले विधायक भारतीय जनता पार्टी कर्मठ सेवक आदरणीय रमेश मिनोला जी महंत पूनम दास जी महाराज को तिलक चादर भेंट कर महाराज श्री का आशीर्वाद ले रहे हैं। महंत पंचायती अखाड़ा बड़ौदा सिंह के भूतपूर्व कुठारी महाकाल की पावन नगरी पंचायती अखाड़ा बड़ौदा सिंह उज्जैन से हमारे दामोदर दास जी महाराज महंत पूनम दास जी को तिलक चादर भेंट कर रहे हैं। श्री मान श्री महन लव चंद्र दास जी जो हमारे साथ में श्री सतपंच परमेश्वर में कालवारी रही पंच की बहुत सेवा करी उसने सोन पंच वालों की तरफ से महन पूनम दास जी को सरोपा भेंट दिया गया जो भावना भेंट के सौभाग्य
आ जाओ किसके नाम की हमारे महंत पूनमदास जी महाराज को तिलक चादर भेंट कर उनका आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। हमारे बीच में संत देवादास जी महाराज महंत पूनमदास जी महाराज को तिलक चादर भेंट कर रहे हैं। आदि जितने भी गौतमपुरा के सेवक जहाँ जहाँ से भी जो सेवक आए सब अपने महंत को तिलक लगाओ और मत्था टेको मैं आशीर्वाद लो। सभी भगत आकर महंत को तिलक करें नमस्कार करें। आज से महंत पूनमदास जी तुम्हारा महंत है। आ जाओ सब भगत आदि मौका है तिलक करने का। अतुल भाई भास्कर जहाँ भी कहीं हो महंत पूनमदास का तिलक करें। आ जा लगा के लगे मस्ता ठीक है। जैसे जी लोग मोबाइल पकड़ लो चलो बीट आ रही है फोन पे उधर उसको हमारे महन श्री पूनमदास जी महाराज का तिलक चादर भेंट कर रहे हैं लच्छू ठेकेदार जी जो हमारे ब्रह्मलीन महन प्रेमदास जी प्रेमणी जी महाराज के बहुत ही सच्चे सेवक थे। हमारे बीच में रवि कोली जी पधारे हैं वो भी महंत पूनमदास जी महाराज को अपना तिलक चादर भेंट कर रहे हैं और उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। जो भी हमारे बीच में पत्रकार बंधु आए हुए हैं वो भी महाराज श्री को तिलक चादर भेंट करके आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। सभी लोग एक एक करके आ जाएंगे। ध्यान से सभी आ जाए बड़े प्रेम के नाम। मोती सिंह पटेल साहब मैं एक मिनट लगा रहा हूँ। दूध संघ के अध्यक्ष मोती सिंह पटेल साहब भी महाराज श्री को तिलक चादर भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। भरत जी अंजना वो भी महाराज श्री को तिलक चादर भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। इस आश्रम के परम सेवक पंडित विकास पंडित जी भी महाराज महंत श्री पूनमदास जी महाराज को तिलक चादर भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। विकास पंडित जी जो कि निरंतर आश्रम की सेवाओं में संत की सेवाओं में हमेशा अपना समय बिताते हैं ऐसे पंडित जी को बहुत बहुत आशीर्वाद महंत पूनमदास जी की ओर से सभी संत महापुरुषों की ओर से। सभी भक्तगण के करके आएंगे और आराम से सभी तिलक चादर भेंट करेंगे और आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। सभी लोग एक एक करके आएंगे। जो भी संत महापुरुष तिलक चादर के लिए रह गए हों वो मंच पर आ जाएं। महाराज बैठ जाओ बैठ जाओ। जिन संत महापुरुषों ने एवं भक्तगणों ने तिलक चादर भेंट कर दी हो वो अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सभी संत महापुरुष अपने अपने स्थान में बैठ जाएं। चादर
पूनमदास जी महाराज के परम सेवक पूनम चौधरी जी निरंतर महाराज श्री की सेवा में और शासन की सेवा में लगे रहते हैं, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद महंत पूनमदास जी की ओर से। सभी जीरो वीडियो बना ही रहा हूं तो डर रहा हूं, पूरी वीडियो जो है 2 घंटा 3 घंटा नहीं भैया। हमारे बीच में झंडे वाली मिल से संत कन्हैयादास जी महाराज पधारे हैं, वो भी महंत पूनमदास जी महाराज को तिलक चंद्र भेंट कर रहे हैं। और काशी विश्वनाथ की पावन नगरी जहाँ पर हमारा बहुत ही सुंदर निरंतर सेवाओं में लगा रहता है पंचायती अखाड़ा बड़ावदा आश्रम रविंद्रपुरी वाराणसी में है, वहाँ से हमारे स्थानीय महंत बालेश्वर मुनि जी वाराणसी बनारस से पधारे हैं, वो भी अपने उनके गुरु भाई हैं पूनमदास जी महाराज के गुरु भाई हैं स्थानीय महंत, वो भी पूनमदास जी महाराज को तिलक चादर भेंट करके महाराज श्री को बहुत बहुत साधुवाद बधाई दे रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं। हमारे बीच में साईं मंदिर गौतमपुरा से भक्तगण पधारे हैं, वो भी महंत श्री पूनमदास जी महाराज को तिलक चादर भेंट कर महाराज श्री को आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं साईं मंदिर गौतमपुरा से। जगदीश मिस्त्री जी, जगदीश मिस्त्री जी पीठा वाले, वो भी महंत पूनमदास जी महाराज को तिलक चादर भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। और हमारे बीच में बाबा श्री महेश्वरानंद जी महाराज की पावन नगरी सोनकर से पिपलेश्वर महादेव मंदिर के परम भक्त जो कि निरंतर सेवा में लगे रहते हैं महिपाल सिंह बघेल, वो भी महंत पूनमदास जी महाराज का मत्था टेक करके आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं महिपाल सिंह बघेल साहब। और हमारे बीच में जिन भक्तगणों का हम नाम नहीं ले पा रहे हैं उनको भी बहुत बहुत महंत पूनमदास जी महाराज की ओर से सभी संत समाज की ओर से बहुत बहुत स्वागत बहुत बहुत आशीर्वाद। और सभी भक्तगण जो भी रह गए हैं वो सभी आ जाए एक एक करके तिलक चादर भेंट कर दें। अब हमारे बीच में पत्रकार बंधु भी पधार रहे हैं, वो भी महंत पूनमदास जी महाराज को तिलक चादर भेंट करेंगे। किशोरदास साहब, उन्होंने महंत श्री पूनमदास जी महाराज को तिलक चादर भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण किया, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। मोती सिंह जी पटेल साहब, वो भी आ गए हैं मंच पर, महंत पूनमदास जी महाराज को तिलक चादर भेंट करके आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। केपी सिंह दरबार साहब, प्रेम राठौर साहब, शैलेंद्र यादव, टोनी जैन, अनिल पेंटर और जो भी पत्रकार बंधु उनके साथ में हैं वो सभी मंच पर आए और महंत श्री पूनमदास जी महाराज को तिलक लगाकर आशीर्वाद ग्रहण करें। राहुल ले लिया क्या? राहुल जा तिलक चादर कार्यक्रम समापन की ओर है, जो भी भक्तगण रह गए हैं टोनी जी, अंकित जी, अंकित जैन जी पत्रकार हैं यहाँ के गौतमपुरा के, वो भी महाराज श्री का तिलक लगाकर आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं,
उनको बहुत बहुत मेहनत पूनम दास जी की ओर से, सभी समाज की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद। अनिल पेंडर जी पत्रकार साहब हैं, ये भी उनको भी बहुत बहुत पूनम दास जी की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद। मत्था टेक लिया, बोले सच्चे दरबार की जय। परंपरा के अनुसार सबसे पहले भगवान श्री चंद जी महाराज को प्रणाम करेंगे, उसके बाद सभी समाधियों का हमारे पधारे हैं पंचायती अखड़ा बड़ौदा से, उनको भी प्रणाम करेंगे, सभी संतों को प्रणाम करेंगे। उदासीन परंपरा के अनुसार महन श्री पूनम दास जी महाराज बोलो। जगत गुरु श्री चंद भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म गुरुवे नमः। ले इन्हें बंद कर दे, कटनी नहीं चाहिए यार, व्याप्तम नहीं कटेगी, नहीं बंद व्यवस्थित कर, वीडियो है। गुरुवे नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणाम। चला आओ थोड़ा सा ग्राउंड लगे नहीं रो। श्री गोविंदाय नमो नमः। बोलिए श्री चंद्र भगवान की जय। जगत गुरु महाराज की जय। जय सीताराम। ज्यादा नहीं, कोई जगह नहीं है, तो दो चलो एक मिनट हम बस अरे गुरु गुरु, अरे ये मोबाइल बंद करो ना, ये कटे को नहीं, कटे नहीं जाया।